कौशिक एंड वेलकम बैक टू अनअकैडमी। अनअकैडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर ही। कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत हम जान चुके हैं पहले वाले लेक्चर के थ्रू। ओके, वहां पर हमने इसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट को समझा था कि कैपिटल स्ट्रक्चर का जनरल मीनिंग क्या होता है। ओके, और आपको एक बात और बताऊं, मैंने कुछ काम भी दिया था आपको कि आपको चारों अप्रोचेस और उनके फाउंडर के नेम लर्न करने हैं। आपने कर लिया वो काम? आई होप आपने कर लिया होगा, और नहीं तो कर लीजिए प्लीज। ओके, यहाँ पर हमने बात करी थी कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर कि चार अप्रोचेस हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये आपकी चार अप्रोचेस रहने वाली हैं। ओके, सो इसके अंदर आज हमारा जो काम है वो है नेट इनकम अप्रोच को बहुत ही अच्छे वे में समझना। ओके, नेट इनकम अप्रोच को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बता दूं कि इसके लिए अगर आप अप्रोचेस समझना चाहते हो और परमानेंट मेमोरी में रखना चाहते हो, क्योंकि जैसे मैंने अपनी मेमोरी के अंदर डाला है मैं आपको वही वे बता रही हूं, तो उसके लिए आप उनके डायग्राम को पक्का कर लीजिए। अगर आपको डायग्राम समझ आ जाते हैं तो आपका 99% तो काम खत्म ही हो जाता है। तो फिर तो आपको कोई भी नहीं, आपके मार्क्स ही नहीं काट सकता कोई भी। ओके, अगर आप JRF की प्रिपरेशन कर रहे हो तो JRF के अंदर भी जो आपका पेपर आता है नेट के अंदर भी, उसके अंदर भी 2 मार्क्स की में से एक क्वेश्चन 101% पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। तो आपका काम क्या है, इनको पक्का करना। तो उसके लिए आपको डायग्राम को पक्का अच्छे से समझना है, माइंड के अंदर बिठा लीजिए कि नेट इनकम अप्रोच आपके सामने आते ही डायग्राम छप जाना चाहिए कि हाँ इसका डायग्राम ये होता है। सो नेट इनकम अप्रोच को समझेंगे यहाँ पर कि नेट इनकम अप्रोच क्या बोलती है। पहली बात तो हमने ये करा था कि कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर आप डेट और इक्विटी दो को लेने वाले हो। सो जब आप डेट को ले रहे हो तो उसकी भी कुछ ना कुछ कॉस्ट आएगी, और जब आप इक्विटी को ले रहे हो तो उसकी भी कोई ना कोई कॉस्ट आएगी। यहाँ पर आपको समझना है कि जो आपका डेट होता है वो आपकी बोरोड कैपिटल होती है। बोरोड इन द सेंस कि आपने बोरो कर रखी है, और अगर आपने बोरो कर रखी है तो वहां पर आपको बोरो की हुई कैपिटल पर आपको देना पड़ता है इंटरेस्ट। सो अगर आप इंटरेस्ट दोगे तो वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मीनिंग फिक्स रेट से होगा। साथ के साथ अगर इन केस आपको लॉस हो जाता है फिर भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इसीलिए आपकी जो फर्म है उसका रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन जो आपकी ओन कैपिटल होती है उसमें आपका रिस्क नहीं होता है, शेयर होल्डर्स का रिस्क होता है, बट आपको उनको ज्यादा देना पड़ता है। नेट इनकम अप्रोच क्या बोलती है? ये बोलती है कि जैसे जैसे आप डेट का पोर्शन बढ़ाते जाते हो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो उतना ही रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। इस वजह से आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जाएगी। और मैंने आपको ये स्टार्टिंग के अंदर ये बताया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि जैसे जैसे आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती जाती है आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ती जाती है। सो अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपनी नेट इनकम अप्रोच के बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स की। सबसे पहली बात हमने ये कहा कि ये कैपिटल स्ट्रक्चर जो था, हमने कहा था कि वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक आपका डेट है उसके अंदर और एक आपका इक्विटी है। इसको समझने के लिए आप एक बार आंख बंद करिए, और उसके अंदर आंख बंद करने के बाद अपने आंखों के अंदर एक गोल चक्कर घुमाता हुआ दिखाइए, जैसे पाई चार्ट नहीं होता है, और उसके अंदर आप पोर्शन डिवाइड कर दीजिए अपनी मर्जी से कि इतना डेट का है और इतना इक्विटी का है। कहने का मीनिंग है कि जैसे जैसे आपका डेट का पोर्शन बढ़ता जाएगा आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म भी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि आपका जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम होता जाएगा। ओके, इट मींस हम कह सकते हैं कि जैसे आप कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंजेस कर रहे हो, मीनिंग आप पोर्शन के अंदर, जैसे आपने डेट का पोर्शन पहले 50-50 रख रखा था, अब आप डेट का पोर्शन 60 कर देते हो, इक्विटी का 40 रह जाता है, तो इस केस में जब आप पोर्शन को घटाते या बढ़ाते हो तो आपके वैल्यू ऑफ द फर्म पर इम्पैक्ट पड़ता है।
सो आपको समझ आ गया कि नेट इनकम अप्रोच क्या कहना चाह रही है। इतना समझ में आ गया, डायग्राम के थ्रू आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है और ये डायग्राम आपको दिमाग में रखना है। इसके अंदर जो बेसिक्स अजम्पशंस है ना वो यही है, मैंने ये कहा था कि डायग्राम याद कर लो और आपको कुछ भी नहीं करना, ओके। सो इन्होंने क्या कहा कि आपका जो डेट कॉस्ट ऑफ डेट है वो कांस्टेंट रहेगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कांस्टेंट रहेगी, जैसे जैसे डेट का पोर्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होती जाएगी। दैट मीन्स जो फाइनेंशियल लीवरेज है उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके रिस्क परसेप्शन के ऊपर। मीनिंग वो ये नहीं सोचेंगे कि डेट का पोर्शन बढ़ता जा रहा है तो इट मीन्स क्या हो रहा है, रिस्क बढ़ रहा है फर्म का, ओके। और अगर फर्म का रिस्क बढ़ रहा है तो जो ये इक्विटी वाले हैं वो कहेंगे कि हमें ज्यादा मिलना चाहिए, वो ऐसा नहीं सोचने वाले। इसकी फर्स्ट अजम्पशन है, तभी तो ये कॉन्स्टेंट है, तभी तो ये वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ी। क्यों बढ़ी? क्योंकि आपकी कॉस्ट गिरती जा रही है। और कोई भी, अगर आप मान लीजिए 100 रुपए का आप पैन लेके आए और अगर आपने 200 रुपए में उसको बेच दिया, 100 रुपए में बनाया था 200 में बेच दिया तो 100 का प्रॉफिट हुआ। बट वही पैन अगर आप 80 रुपए में बनाते हो और 200 रुपए का बेचते हो तो आपका प्रॉफिट बढ़ा या घटा? 120 प्रॉफिट नहीं हुआ। दैट मींस कि अगर आपकी कॉस्ट कम होती जाती है तो आपकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है, ओके। एंड सेकेंड भी इन्होंने यही अजम्पशन लेके चले हैं ये कि जो टोटल कैपिटल रहेगी वो दोनों की ले रखी है और दोनों की दोनों कॉन्स्टेंट है, ओके। और इसके अंदर एक बात और बोली है कि जो नेट इनकम अप्रोच है वो ये सजेस्ट करती है कि हायर द डिग्री ऑफ लीवरेज बेटर इट इज एज द वैल्यू ऑफ द फर्म वुड बी हायर। यस, ये बात भी हम बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं, बहुत ही ईजी थी ये नेट इनकम अप्रोच। साथ के साथ जो वैल्यू ऑफ द फर्म, अगर आप बात करो कि पूरी की पूरी वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकालें, तो उसके लिए आपको निकालनी पड़ेगी पहले वैल्यू ऑफ द इक्विटी, ऐड कर दोगे वैल्यू ऑफ द डेट, दोनों को जैसे ही आप ऐड करोगे आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म निकल जाएगी। नोटबुक में नोट कर लेना, ओके। यहाँ पर ये डिग्री ऑफ लीवरेज दिखाया गया है, यहाँ पे ये तीनों के तीनों दिखाए गए। इस डायग्राम को अपने अंदर रख लो, ओके। नेट इनकम अप्रोच आपकी पक्की हो जाएगी और माय डियर फ्रेंड्स 2 मार्क्स आपके पक्के हैं अगर आपने ये चारों की चारों अप्रोचेस को बहुत अच्छे से समझ लिया। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।